हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, राजा साहब ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। कल आपकी क्लासें नहीं हो पाई थी कुछ कारणवश, आज आपकी क्लासें वैसे ही रेगुलर चल रही है। आपने दो क्लासें पहले ले ली है और तीसरी क्लास में आपके सामने फिर रखने जा रहा हूँ। अपन पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ चीज़ें पढ़ चुके थे और कुछ चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ जो अच्छे और शानदार आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं बेटा, तो सब लोग एक बार जुड़ के इस क्लास को लीजिए और आनंद उठाइए। एक क्वेश्चन आपके सामने लिखने जा रहा हूं। मान लो क्वेश्चन आ जाए, सिंपली पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। मान लो क्वेश्चन आ जाए, 24 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? 24 को कुल कितनी संख्या से विभाजित किया जा सकता है? विभाजित समझते हो, भाग दिया जा सकता है या डिवाइड किया जा सकता है? विभाजित किया जा सकता है। ठीक है मेरे भाई, समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से आराम से। 24 को कुल कितनी संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है? इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अपन 8 की बात करें तो 8 8 में 8 में किसका भाग दे सकते हैं? 2 का, 4 का, 1 का भी दे सकते हैं वैसे तो, क्लियर है? लेकिन एक वो नंबर है जिसका सब में भाग जाता है। फिर अपन बात करें 8 का दे सकते हैं, तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी जिनमें अपन 8 में भाग दिया जा सकता है? 2 का, 4 का, 8 का, विभाजित, पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, ठीक है? पूर्णतः मतलब कंप्लीट, कंप्लीट डिवाइड होना, समझ गए? तो अब आप 24 को सोल्व करो। कैसे सोल्व करेंगे? अब अगर आप ऐसे सोल्व करते हैं बेटा, समझने की कोशिश करना कि नंबर सोचने बैठ जाते हैं या इसके फैक्टर करते हैं तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा। एक बार आप समझने की कोशिश करो, प्रयास करो, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है। जल्दी से जल्दी जवाब देने का कष्ट करो भाई, जल्दी से प्रयास करो, सबसे पहले जवाब कौन देता है देखते हैं। पहले आराम आराम से क्वेश्चन को रीड करो, क्वेश्चन समझना है और क्वेश्चन समझने के बाद फिर उसका जवाब देना है। जल्दी करो बेटा जल्दी। चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, सिंपली समझा देता हूं कि सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने हैं, टुकड़े करने हैं 24 के। 2 का भाग दिया, अगर आपने यहां 2 का भाग दिया तो फिर आया आपके पास 12, फिर आपने 2 का भाग दिया फिर आया आपके पास 6, फिर आपने 2 से डिवाइड किया फिर आया आपके पास 3, फिर आपने इसमें डिवाइड किया 3 से, क्लियर है? तो यहां आप फैक्टर लिख सकते हैं कि 2 की घात 3, 2 का 3 बार गुणा 3 की घात 1। अब डायरेक्ट ज्ञात करने का तरीका बताता हूं कि कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका समझाता हूं, कुछ नहीं करना, इनको बढ़ा के, पावर को बढ़ा के लिखना, एक एक और गुणा करवाना है। 4, 3 का 1 बढ़ाया 4 और 1 का 1 बढ़ाया तो कितना हो गया? 2। कुछ नहीं करना, पावर को बढ़ा के लिखना है, घात को बढ़ा के लिखना है, तो 4 दूनी 8। 8 ऐसी संख्याएं हैं जिनसे इसको कंप्लीटली भाग दिया जा सकता है। अब अपन गिनते हैं कि वो 8 कौन कौन सी संख्याएं हैं। सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा, इसमें 3 का भी जाता है 8 की 24, इसमें 4 का भी जाता है 6 चौक 24, क्लियर है? इसमें 5 का नहीं जाता, 6 का भी जाता है, इसमें 8 से भी भाग जाता है। आराम आराम से समझने की कोशिश करना, बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आएगा कि इसमें कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। और अपन बात करें तो इसमें 12 का भी जाता है, क्लियर है? और इसमें अपन बात करें तो इसमें 24 का भी जाता है, क्लियर है? और आपको पहले ही मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक ऐसा नंबर है जो सब में डिवाइड करता है,
अंडरस्टैंड, हाँ या ना। अब आप काउंट करके देख लो कि आपको इसके जो नंबर्स हैं वो पता चल गए होंगे कि टोटल कितने 8 संख्याओं से इसमें भाग जा सकता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ऐसा नंबर है जो सब में डिवाइड करता है। क्लियर है मेरे भाई, समझ में आया, हाँ या ना। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब ये तो तरीका बहुत डिफरेंट है कि आप एक एक नंबर ढूंढने के लिए बैठो, तो इससे बेस्ट है सबसे पहले आपको गुणनखंड करने, फैक्टर करने। फैक्टर करने के बाद देखना है कि 2 कितने बार था, 2 3 बार था, तो लिख लो 2 की घात 3। 3 कितने बार था, 1 बार, तो 3 की घात 1। अब एक एक घात बढ़ा के गुणा कर लो, 3 की घात 1 बढ़ाई तो 4, 1 को बढ़ाया तो 2, 1 बढ़ाना है, घात में 1 बढ़ा के उसको गुणा करना। 3 में 1 बढ़ाया 4, 1 में 1 बढ़ाया 2, 4 दूनी 8 और आपका आंसर आया 8। क्लियर है। मान लो अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ और फिर देखते हैं कि आपका जवाब क्या होता है। सिंपली समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपका क्वेश्चन यहाँ से चेंज करूँ और यहाँ लिख दूँ कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है, तो जवाब दीजिए कि 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। एक बार प्रयास करो, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोशिश करो जल्दी से जल्दी जवाब देने की। सिंपल और साधारण सा क्वेश्चन है, जितना आसानी से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं आज आपको ऐसे ही क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ जिन क्वेश्चन को आप इजीली नहीं समझ पाते हैं, उन क्वेश्चन को आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है और आगे जाके कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जल्दी से करो बेटा, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जवाब दो। 120 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। चलो सबसे पहले, जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, अगर इसका फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले अपन 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दिया 60, फिर आपको इसमें 2 से भाग देना पड़ेगा, कितना आया भाई 30, फिर आपको इसमें 2 से भाग देना है मेरे भाई, कितना आया 15, फिर 15 में आपको 3 से भाग देना है। ठीक है, आप समझने की कोशिश करो सिंपली, धीरे 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 क्वेश्चन को समझोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर है, तो यहाँ से आपने भाग दिया तो कितने बार गया, 5 बार, फिर आपको 5 का भाग दिया 1 बार। क्लियर, अब यहाँ देखो आपके पास 2 कितने बार है भाई, 2 3 बार है, गुणा 3 कितने बार है, 1 बार है, गुणा 5 कितने बार है, 1 बार है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि पावर को 1 बढ़ा के गुणा कर लो। यहाँ देखो पहली जो पावर है पहले फैक्टर में 3 है, तो 3 को 1 बढ़ाया 4, यहाँ घात कितनी है 1 है, तो 1 का 1 बढ़ाया 2, यहाँ घात कितनी है 1 का, इस पे भी 1 बढ़ाया तो 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा मेरे भाई, 16, 16 होगा। समझ में आ रहा है चीजें परफेक्टली, हाँ या ना। जवाब देते चलो भाई कि आपको चीजें परफेक्टली समझ में आ रही है, माइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप समझते चलो चीजें, जितना आसानी से समझते चलेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी समझते चलो और आराम आराम से इसका जवाब देते जाओ। ठीक है, सिंपली धीरे 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 चीजों को आसानी से समझोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर, चलो अब आगे चलते हैं। मान लो मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया और आपके सामने क्वेश्चन अलग कर दिया, यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 2280, अभी तक आप छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ रहे थे, 2280 को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। जल्दी से जवाब दो भाई, जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जवाब देने का कष्ट करो। 2280 को कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है, बाईस सौ अस्सी को कुल कितनी संख्याओं से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है या विभाजित किया जा सकता है। जल्दी जल्दी प्रयास करो, जल्दी करो बेटा जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जवाब दो। चलो देखते हैं, 2280 के अगर आपने फैक्टर किए होंगे तो आपके सामने कौन कौन से फैक्टर आए होंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। पहले सिंपली आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, 2280,
अब कुछ नहीं करना, पहले दो से भाग देना है, फिर आपको तीन से भाग देना है, मतलब नंबर वाइज नंबर चलो। पहले किससे भाग देना? दो से। जितने बार दो से भाग जाता है उसके बाद आपको तीन से देना है, फिर तीन के बाद इसमें पांच का भाग जाता है, और पांच के बाद फिर इसमें 19 का भाग जाता है। तो पहले आप दो का भाग देंगे वो 3 टाइम जाएगा, फिर तीन का देंगे वो 1 बार जाएगा, क्लियर है? फिर आप अगर पांच का देंगे तो वो भी आपका 1 बार जाएगा, फिर आप इसमें 19 का देंगे तो वो भी आपका 1 बार जाएगा। आप कुछ नहीं करना, इन नंबर्स की पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करा लो। 3 की 1 घात बढ़ाई, 1 की 1 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 2 32। तो टोटल कितनी संख्याओं से इसको डिवाइड किया जा सकता है? 32 संख्याओं से इसको पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है। समझ गए मेरे भाई? हाँ या ना? समझने की कोशिश करो आसानी से। नॉर्मली आप इन चीजों को जितना इजीली और सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है शानदार तरीके से ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। आप कमेंट करते रहिएगा, बताते रहिएगा चीजें। आज थोड़ा सा एक समस्या है कि जो डिस्प्ले है वो मैं आपकी शो नहीं कर पा रहा हूँ, आपके कमेंट का जवाब नहीं दे पाऊंगा, और उस समस्या का जो समाधान है वो कल तक कर दिया जाएगा। ठीक है? इसलिए आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है कि आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर मेरे तो कमेंट का जवाब ही नहीं दे रहे होंगे आप, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कल तक वापस हो जाएगा। बाकी आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है? आपको मेन मुद्दा ये होना चाहिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट का एक ही मकसद होता है कि मेरे पास सामने कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ठीक है? अगर अच्छा कंटेंट अपने सामने आ रहा है तो आप उस अच्छे कंटेंट को शानदार तरीके से पढ़ो और अपने क्वेश्चंस को सोल्व करो। ठीक है मेरे भाई? यहां तक चीजें समझ में आई? तो ये जो क्वेश्चन था आपको परफेक्टली समझ में आया होगा। तो आज मैं आपके सामने ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला था जो आपको मैंने दे दिए हैं। अब आगे अपन बात करते हैं अगले डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैसे होंगे। मान लो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आपको कह दिया जाए कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का अंतर 97 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दो लगातार प्राकृत संख्याओं, ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिया, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने अगर ऐसा रखूं तो आप जवाब देना कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का, दो लगातार प्राकृत संख्याओं का के वर्गों का अंतर, वर्ग समझते हो बेटा स्क्वायर, वर्गों का अंतर आपको 97 दे रखा है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। वर्गों का अंतर 97 दे रखा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। जल्दी से जवाब दो भाई, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जल्दी से करो, सिंपली सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको शायद ऑलरेडी मैंने बता भी रखा है ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दो। दो लगातार प्राकृत संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन वापस रिपीट करते हैं। मान लो दो लगातार प्राकृत संख्या आपको 2 और 3 दे रखी है, तो 2 और 3 का वर्ग का अंतर, 2 का वर्ग कितना होता है मेरे भाई? 4, और 3 का वर्ग कितना होता है? 9। इन दोनों का जो अंतर है, वर्गों का जो अंतर है वो आपको गिवन है, मान लो वो आपको दे दिया गया 5। तो एक चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि ये जो वर्गों का अंतर है उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। सिंपली आप समझने की कोशिश करो कि ये जो 97 है, अगर आप 97 में से 1 माइनस करते हैं तो आपके पास आया 96। कुछ नहीं करना, आपको इसमें 2 से भाग देना है, आया 48। बड़ी संख्या पूछे तो 1 जोड़ दो, और छोटी संख्या आपके पास ऑलरेडी आई गई, सिंपल है। बड़ी संख्या आपकी 49 होगी और छोटी संख्या ऑलरेडी आपके पास गिवन है 48 होगी, क्लियर है?
जैसे ही आप इसमें से एक कम करके दो से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये नंबर आ जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब आप बार बार इन क्वेश्चंस पे डिस्कस करने से अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है मेरे भाई। अगर मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन दे दिया गया कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग आपको दे दिया जाए कि दो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग गिवन हो, तो ऐसे में आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें से एक कम करना है और उसको दो से डिवाइड करना है। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। डिवाइड करने पे जो नंबर प्राप्त होता है वो पहली संख्या होगी, और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो वो आपकी दूसरी संख्या होगी। समझ गए मेरे भाई? हाँ या ना? क्लियर है? ये पॉइंट आपको परफेक्टली समझ में आया होगा। तो अभी तक आपको जो चीज़ें समझाई मैंने, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप परफेक्टली समझ पाएंगे और इनका आसानी तरीके से जवाब दे पाएंगे। अब आपके सामने जल्द ही मैं इनकी प्रैक्टिस शीट भी लाने वाला हूँ, ठीक है, जो प्रैक्टिस शीट आपको लंबे टाइम तक करवाई जाएगी और लंबे समय तक समझाई जाएगी। अब जो आगे अपन पढ़ने वाले हैं छोटे छोटे पॉइंट, उन पर अपन डिस्कस करते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड आगे अपन कितनी संख्याएं या कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो इसमें बहुत काम आने वाले हैं। क्लियर है? आपने प्राकृत संख्या पढ़ा, सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, अभाज्य संख्या पढ़ा, इनसे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब आपके जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वो आपकी जितने भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ होगा, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अपन देखते हैं काफी सारी बुक्स में कि अपन को ये पार्ट वही मिलता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रिमाइंडर थ्योरम हो गया, सेसपल, वैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसको आप अलग एक टॉपिक के तौर में पढ़ सकते हैं। क्लियर? आपसे कहा जाए नंबर ऑफ ट्रायलिंग जरूर शून्यांकों की संख्या के लिए, तो वो भी आपका जो है एक टॉपिक है अपने आप में, लेकिन इसको नंबर सिस्टम का ही पार्ट माना जाता है। सेसपल में काफ़ी चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ ट्रायलिंग जीरो शून्यांकों की संख्या में भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो क्वेश्चन आपके आने वाले समय के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गए, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए। अपन बात करें यूनिट डिजिट इकाई के अंक की, तो वो भी टॉपिक आपका इसी से रिलेटेड रहेगा। तो अब मेरे पास जो समस्या आ रही थी बच्चों की, वो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, हमें कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। तो इस समस्या का हम समाधान कर रहे हैं बहुत जल्दी ही, तो आप बिल्कुल भी फ्री रहे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। आपकी समस्या का जो समाधान है वो जल्दी किया जा रहा है कि 28 तारीख बाद आपका जो अपना ऐप है वो जल्दी से लॉन्च होने जा रहा है। तो 28 तारीख बाद उसमें कंटेंट डालना स्टार्ट हो गया है, और जो एप्लीकेशन है वो जल्द ही आपके बीच आने वाली है, और उस एप्लीकेशन के थ्रू ही आपको सारा कंटेंट दिया जाएगा। चलो अब आगे के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपन डिस्कस कर लेते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो आगे के क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर पाएंगे। एक बार इन टॉपिक को नहीं पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में समझा देता हूँ, क्योंकि ये अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ ये इनका बेसिक पता होना चाहिए। इनका बेसिक पता होगा तो इसके आगे के जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो अपन आसानी से कर पाएंगे। इन टॉपिक का अगर बेसिक पता होगा तो आने वाले जो क्वेश्चन है उनको इजीली अपन कर पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो अब इन टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, और वो रूल्स क्या है वो आपको समझा देता हूं। मान लो आपको सेसफल पढ़ना है, तो सेसफल पढ़ने से पहले आपको भाग देना आना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सर भाग देना, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ाई जा रही है। बेटा भाग देना, मान लिया कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आप किसी भी नंबर में डिवाइड करके देखेंगे तो आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप समझने की कोशिश करना कि हमेशा याद रखना, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं दो से, क्योंकि एक वो नंबर है, एक वो संख्या है जो हर संख्या में पूर्णतः डिवाइड करती है। एक का भाग प्राकृत संख्याओं में जाता है पूरा पूरा। कितनी भी प्राकृत संख्या आप ले लो, 2, 5, 10, 15, 2 लाख, 15 लाख, सब में एक का भाग जाता है। अपन बात करते हैं अब दो की। दो का भाग उन संख्याओं में जाता है जिसके अंत में या तो जीरो हो। ये चीजें आप नोट करते चलना, ये चीजें अगर नोट करते चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है।
अभी थोड़ी देर के लिए या थोड़े दिन के लिए आपको ये चीजें बहुत ज्यादा नॉर्मल और सिंपल लगेगी कि सर ये क्या चीजें पढ़ रहे हैं। दो का भाग उन संख्याओं में जाता है जिनके अंतिम यूनिट डिजिट, जिनका इकाई का अंक या तो जीरो हो या दो हो। एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं 10, 10 में दो का भाग पूरा पूरा जाता है भाई कितने बार? 5 बार। अगर अपन बात करें 100 की, तो 100 में भी दो का भाग पूरा पूरा जाता है कितने बार भाई? 50 बार। अगर अपन बात करें 250 की, तो इसमें भी दो का भाग पूरा पूरा जाता है मेरे भाई कितने बार? 125 बार। तो यहां से अपन एक चीज समझ पा रहे हैं कि यदि किसी नंबर का लास्ट का डिजिट जीरो है तो उसमें दो का भाग कंप्लीटली जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज आप समझते चलो कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक जीरो है तो उसमें दो का भाग कंप्लीटली जाएगा। अब अपन बात करते हैं 12, 2 की। अगर संख्या के अंत में 2 है तो भी 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, 22 में 2 का भाग 11 बार जाता है। मान लो आपके पास आ गया कि 32, 32 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। मान लो आपके पास आ गया 42, 42 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। क्लियर है? अब अपन जो आगे बात करने वाले हैं इसी नंबर से रिलेटेड, उसको ऐसे समझना है कि जिस संख्या के लास्ट वाले नंबर पे, जिस संख्या के लास्ट वाले नंबर में 2 का भाग पूरा पूरा जाए वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे 3, 2, 5, 4। क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी? 100% 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि अब आप इसमें पूरा कंप्लीटली राउंड करके देखने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है लास्ट वाला नंबर। अगर लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड है तो पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। क्लियर है? मान लो आपके पास नंबर आ गया 5, 3, 7, 8, 6, 3। क्या ये 2 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे कंप्लीट डिवाइड नहीं है, भाग तो जाना है लेकिन कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, क्योंकि लास्ट का जो इकाई का अंक है इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। अगर अंतिम अंक में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है मेरे भाई, तो हमेशा याद रखना उस संख्या में कंप्लीटली 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है? अभी ये चीजें आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो सकती है, लेकिन आप नोट करते जाओ, जिस संख्या के अंत में, अंत वाली संख्या में या लास्ट डिजिट में अगर पूरा पूरा भाग जाता है तो उस संख्या में कंप्लीटली भाग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि 3, 4, 5, 7, 8, 2, 1, 6। क्या ये संख्या, संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, क्या ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है? तो हाँ, अपन कहेंगे है, क्योंकि लास्ट डिजिट में 2 का भाग जा रहा है। अगर अंतिम अंक में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो पूरी संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो ये तो था आपके पास 2 का। अब अपन बात करते हैं अगले नंबर की, 4 की। ठीक है, अपन बात करते हैं 4 की। क्या 4 में पूरा पूरा भाग जाएगा? 4 का किस किस संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है? सॉरी, अपन बात करेंगे कि 4 का कौन सी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात करें कि पहले अपन ने पढ़ा था कि लास्ट डिजिट में 2 का नियम पढ़ा कि जिस अंतिम अंक में, इकाई के अंक में अगर 2 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में, लेकिन यहां वो नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर 18 का इकाई का अंक 8 है और 8 में 4 का भाग जाता है लेकिन पूरी संख्या में नहीं जाता। 4 3 12 और 4 16 और 18 में पूरा पूरा नहीं जाता। तो इसका एक रूल है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में अगर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। समझ गए? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में, यहां तो सिर्फ आप पढ़ रहे थे इकाई का अंक, यहां पढ़ रहे हैं लास्ट के 2 अंक, दहाई अंक। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे आपको संख्या दे दी, क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? तो आपको इस संख्या के लास्ट के 2 अंक पकड़ने हैं और 24 में 4 का भाग देख के देखना है, क्या 24 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो अगर 24 में 4 का भाग कंप्लीटली जाता है मेरे भाई, तो आप 100% कह सकते हैं कि इस संख्या में भी, पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है मेरे भाई, समझ पाए? हाँ या ना? जवाब देते चलो यार, माइंड नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल ही चीजें समझा रहा हूँ आपको, बहुत धीरे धीरे और धीरे धीरे आसानी से वो चीजें पढ़ा रहा हूँ जो बहुत जीरो लेवल से पढ़ाई जाती है।
ठीक है, वो चीजें आपके सामने रख रहा हूं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3, 2, 5, 7, 2, क्या इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा? दी गई संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, अपन पढ़ ही यही रहे हैं कि 4 का भाग जाता है या नहीं जाता। तो क्या दी गई संख्या में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, हाँ या ना? जवाब देने की कोशिश करो। आप यहां से समझने की कोशिश करो, अगर लास्ट के डिजिट में 4 का भाग जाएगा तो कंप्लीटली पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। समझ गए मेरे भाई? तो अगर 72 में 4 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 100% है कि 4 से ये डिवाइड है। समझ गए? तो अभी आप समझ रहे होंगे कि 4 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है। तो आपने दो पॉइंट पढ़े, पहला पॉइंट था कि 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है, दूसरा पॉइंट था 4 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जाता है, तीसरा अपन पॉइंट पढ़ते हैं कि 8 का भाग कौन कौन सी, मतलब 8 से ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं 8 का उनमें भाग जाएगा जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट में 8 का भाग जाता हो। क्लियर है मेरे भाई? जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है वह संख्या 8 से कंप्लीट डिवाइड होगी। तो आप इन 3 नंबर को अच्छे से समझ पाए होंगे कि ये डिवाइड में भाग में कैसे काम आते हैं और इनका कैसे पता लगाया जाता है कि कौन सी संख्या का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, हाँ या ना? समझ गए? तो ये अपनी सिंपल संख्याएं थी जो अपन ने पढ़ ली। आगे इसके बाद जो है अपन आगे की संख्याएं पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई? इसके बाद और भी बहुत से नंबर है आपको जिनको पढ़ना है, वो अपन कल की क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो माइंड करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री माइंड होके आपको ये चीजें पढ़नी है। अब आपको मैं फिर बता देता हूँ, आपकी जो क्लासें हैं बिल्कुल रेगुलर चल रही है और ऐसे ही अब रेगुलर रहेगी। कुछ कारणवश जो कल क्लास डिले हो गई थी, अब आपकी क्लासें डिले नहीं होगी, बिल्कुल रेगुलर प्रतिदिन आपको ये क्लासें मिलती रहेगी और आपके सामने कंटेंट भी रोज रेडी हो जाएगा। मैं पिछले काफी दिनों से ये चीज सुन रहा हूँ कि सर हमें कंटेंट नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैंने फिर बता दिया है बेटा कि जल्द ही आपके सामने हम कंटेंट लेके आ रहे हैं। अगर हमने वादा किया था कि आपको क्लासे दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरा बेच दिया जाएगा, तो हम आपसे प्रोमिस करते हैं कि आपको कंटेंट भी दिया जाएगा। माइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम आपके लिए कंटेंट भी तैयार कर रही है और जल्द से जल्द आपका जो कंटेंट है आपके बीच पहुंचने वाला है। तो फ्री माइंड होके बिल्कुल रहना है और आपको आसानी से ये चीजें पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल 8:15 पे इसी यूट्यूब चैनल पे और सारी चीजें क्लियर करके। बाय, टेक केयर, गुड नाइट।